अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है मनफी वन अंडर रूट क्रॉस मनफी वन अंडर रूट। इसको हमने साल कर लेना है और इसके दो आंसर हमारे पास आने हैं। इसमें से हमने सेलेक्ट करना है कि सही आंसर कौन सा है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हम जानते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर में यानी आयोटा स्क्वायर जो है वो मनफी वन के इक्वल है। अगर इसको हम दोनों तरफ जो है अंडर रूट ले लें, आयोटा स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट और मनफी वन के ऊपर अंडर रूट, तो स्क्वायर अंडर रूट आपस में कैंसिल और आयोटा जो है वो इक्वल हो जाता है मनफी वन अंडर रूट के। ठीक है, अब ये जो है आयोटा मनफी वन अंडर रूट के इक्वल है और क्वेश्चन में हमारे पास मनफी वन अंडर रूट है, तो मनफी वन अंडर रूट की जगह आयोटा क्रॉस आयोटा। ठीक है, अब जो है आयोटा एंड आयोटा, तो ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो जिस तरह हम पहले हमने लिख लिया कि आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल है, मनफी वन के इक्वल। ठीक है, तो ये आयोटा जो है मनफी वन के इक्वल है। सो एक आंसर ये आ गया हमारे पास मनफी वन। ठीक है, अब दूसरा मनफी वन अंडर रूट क्रॉस मनफी वन अंडर रूट, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि एक अंडर रूट लिख लेते हैं। ठीक है, और दोनों मनफी वन एंड मनफी वन एक ही अंडर रूट में लिख लेते हैं, मनफी वन क्रॉस मनफी वन, ये हो गया। सो अंडर रूट मनफी वन एंड मनफी वन ये प्लस हो जाएगा, वन क्रॉस वन इज इक्वल टू वन एंड वन का अंडर रूट इज इक्वल टू वन। सो दूसरा आंसर हमारे पास ये है। अब देख सकते हैं कि एक आंसर जो है वो वन है और दूसरा जो है वो माइनस वन है। अब इसमें आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। थैंक यू।